हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आजकल मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं आपको 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं काफी कुछ बता चुका हूँ, पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। आप ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसी को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस पर लिखा हुआ है ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। इसमें एक सेंटेंस दिया है, द मैन वॉज कॉट बाय द पुलिस। ये एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, ही हैड स्टोलन द गोल्डन वॉच। ये दो सेंटेंसेस हो गए। फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंसेस को यहां पर ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स को लेकर एक बनाना है, मीन्स दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक करना है। तो कंजंक्शन के मदद से ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि द मैन वॉज कॉट बाय द पुलिस। आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ही हैड स्टोलन द गोल्डन वॉच। वह गोल्डन वॉच मीन्स सोने का घड़ी चुराया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से कौन सा वर्ड लेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। द मैन वॉज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है, एंड लेते हैं, एंड ही हैड स्टोलन द गोल्डन वॉच। जो पुलिस के आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और वह सोने का घड़ी चुराया था। लेंगे तो हुज मीन्स हुज मतलब जिसका जिसकी भी हो सकता है, किसका किसके। अगर क्वेश्चन में लेंगे तो किसका किसके होगा, अगर इसको हम पॉजिटिवली लेंगे तो जिसका और जिसकी जिसके, ये अर्थ होता है हुज का। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों में से हमने देख लिया कि ना तो एंड फिट बैठ रहा है ना हुज फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पर हम हु लिखेंगे। अब हु लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये लिखने का तरीका ये है, द मैन हु हैड स्टोलन द गोल्डन वॉच was caught by the police. Okay friends, the man who had stolen the golden watch was caught by the police. ये हो गया अभी एक सेंटेंस। Okay friends, हमने यहां से कंजक्शन उठाया who का इस्तेमाल किया तो ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है friends, वो आदमी जिसने गोल्डन की घड़ी चुराई थी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ठीक है friends, क्लाउज के बारे में आप जानते होंगे, ये क्लाउज का सेंटेंसेस है। तो इस तरह से हम कोई भी कंजक्शन लेते हैं तो इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं जहां पर वो फिट बैठता है। क्लाउज अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे भी आता होगा तो मैंने पढ़ाया है पिछले प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेंगे। अभी दूसरा सेंटेंस है, सीमा डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद सी फाउंड इट फ्रॉम आवर डिक्शनरी। उसने इसे डिक्शनरी में ढूंढा। ओके फ्रेंड्स, सीमा वर्ड का हिंदी नहीं जानती थी तो उसने डिक्शनरी में ढूंढा। ये सेंटेंस है, दोनों को जोड़ना है। अब इसमें से अदरवाइज मतलब होता है नहीं तो, इसमें नहीं तो कहीं फिट नहीं बैठता। सीमा डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, वो वर्ड की मीनिंग नहीं जानती थी, नहीं तो वह डिक्शनरी से ढूंढी, ये फिट नहीं बैठता है। फिर यहाँ पर लगेगा टीम, टीम मतलब तक या जब तक होता है, तो इसी उसमें वो भी फिट नहीं होगा। तो सिंपली है देयरफॉर, हम अगर हिंदी में अगर सेंटेंस समझ में आता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फिट बैठेगा। द सीमा डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, वह वर्ड का मीनिंग नहीं जानती थी इसलिए उसने डिक्शनरी में ढूंढा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ देयरफॉर लगा देना है। सीमा डिड नॉट नो द मीनिंग of
words, therefore she found it from dictionary. Okay, friends? And one sentence here. Seema did not know the meaning of the word, therefore, इसलिए उसने डिक्शनरी से ढूंढा. Okay, friends? अब तीसरा हो गया. Veena could not speak, she could not hear. यहाँ पर दो sentences हैं. Veena could not speak. Veena कुछ नहीं बोल सकी, मतलब बोल नहीं सकी. She could not hear. वो सुन नहीं सकी. दो sentences हैं. अब इन दोनों को मिलाकर एक बनाना है. तो यहाँ पे since है, but है, neither nor है. ये conjunction है. जिनका सहारा लेकर, जिनकी मदद लेकर इसको एक सेंटेंस बनाना है. यहाँ पर सिंपली हो जाएगा. यहाँ पे सिंस भी नहीं होगा, बट भी नहीं होगा, क्योंकि बिना कुड नॉट स्पीक वो बोल नहीं सकी. बट अगर लगाते हैं तो बट, लेकिन वह सुन नहीं सकी. ये फिट नहीं बैठता है. यहाँ पर क्या फिट बैठेगा? सीमा ना तो सुन सकी ना बोल सकी. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा बिना कुड neither speak nor she hear. Okay friends, Veena na to bol saki na sun saki. Ye dono mein ye jo kya isme laga, neither or nor, sorry yahan pe not likha hai, nor hoga. Speak nor she hear. Neither nor conjunction का इस्तेमाल करके ये एक सेंटेंस बन गया. ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा समझना आपको मुश्किल होगा, बट उतना मुश्किल नहीं है अगर आपको क्लॉज के बारे में या कंजक्शन के बारे में नॉलेज होगा. तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता रहा हूँ, न कि मैं कंजक्शन और क्लॉज के बारे में पढ़ा रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, ये जान लेना जरूरी है आपको, नहीं तो आप सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ. तो ये टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम्स में जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है कि इसके साथ करना क्या है, क्या करना है इसमें. नहीं तो कितने सारे लड़के जानते होते हैं लेकिन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाने की वजह से वो बना नहीं पाते, उसको सॉल्व नहीं कर पाते. इसलिए क्वेश्चन को जानना और समझना जरूरी है, इसमें करना क्या होता है. जैसे इसमें आपने पढ़ लिया, ज्वाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन. अब यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ के या इसको पढ़ के समझ नहीं आ रहा है इसको करना क्या है, कैसे जोड़ना है, तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम जोड़ते हैं कंजक्शन का सहारा लेकर, मदद लेकर. अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या करना है और आप उसको सॉल्व कर सकेंगे आसानी से. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद.